ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। इस एड को देखने के बाद ना मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि क्या पता कल को मैं संडास में आगने बैठूं और कोई क्रिकेटर मेरे साथ के बोले कि ये मैं कर लेता हूँ, तुम ड्रीम इलेवन पे जाके टीम बनाओ। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो ड्रीम इलेवन द्वारा बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है टीम बनाने की। हाँ, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो बना देना, बिकॉज आई डोंट केयर। तो बोले क्या हाल चाल है, बढ़िया हो रहा है। बात करने वाले हो इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के बारे में, जो कि DPL हो गया, बिकॉज इस साल IPL दुबई में हो रहा है। ये सब उन सब बिच्छू मेडे पकौड़े और चमगादड़ के पकौड़े खाने वाले व्यक्तियों के चक्कर में हो रहा है। और आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट द चलचित्र बिगिन। पेप्सी IPL में चेन्नई की जीत हो, चेन्नई की जीत हो प्रभु। इस बार पेप्सी IPL में चेन्नई मुंह में चुंगम रखो तो तेली टेस्ट नहीं आता, जब तेली दीदी ने पेप्सी देख के टीम बदल ली। और इन दीदी की हरकत देखने के बाद ना इन दीदी से मैं एक ही चीज बोलूंगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। या शर्मा कौन है? कौन है शर्मा? शर्मा कोई नहीं है। तो इतना शर्मा के मैच क्यों देख रहे हो यार? जरा टाई खोलो, शर्ट बाहर, बाल खराब करो। म्यूजिक इस बेचारे की क्या गलती थी, यह बेचारा बस टकला ही तो था, इसके सिर पर बाल ही तो नहीं थे, इसकी इतनी बेइज्जती क्यों। और मैं आपको अभी क्रिकेट के ग्राउंड पे कुछ ऐसी ऐसी हरकतें दिखाने वाला हूँ ना, जिसके बाद आप सब एक ही चीज बोलने वाले हो, ये का बवासीर बना दिए हो। सबसे पहले कोई मेरे को बताओ कि ये बॉलर क्या भूख के बैठा है, नहीं मतलब अगर विकेट आया तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम सीनियर बन के रंगने लगोगे। अगर आपको लगता है कि क्रिकेट में सिर्फ यही एक नमूना होगा तो भैया बहुत गलत हो, बिकॉज इन जैसे नमूनों की ना क्रिकेट में लाइन लगी पड़ी है। नहीं मानते मेरी बातों खुद ही देख लो। भाया आप क्रिकेट के मैदान क्रिकेट खेलने आए हो, ये टिकटॉकर इनटू 100 वाली हरकतें काहे को कर रहे हो। और अभी मैं आपको एक IPL का ऐसा एड दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद ना आप IPL को देखने के छोड़ो सुनने की भी जरूरत नहीं कर सकते। और अगर ये एड देखने के बाद तुम IPL देख रहे हो ना तो मेरी बात मानो, जहाँ पर तुसी ग्रेट हो तोफू कबूल करो। और जैसे आपको पता ही होगा कि क्रिकेट में बॉलर विकेट लेने के बाद इतना दौड़ता है ना, जितना तो साला मैं जिंदगी में कभी दौड़ा ही नहीं होगा। और मेरे को पता कि ऐसे तो तुम लोग मानने नहीं वाले, तो खुद ही एग्जांपल देख लो। नो 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 भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और एग्जांपल चाहिए तो ये लो। नहीं मतलब अगर ये सीधा इतना दौड़ लेते ना पक्का इंडिया से जापान पहुंच जाते, और कभी कभार दौड़ते दौड़ते हाथ से भी हो जाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ कि WWE में रेफरी और क्रिकेट में एम्पायर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। नहीं मतलब एम्पायर की तो कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब गेर मारो उसको सीधा। और ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप CSK के सपोर्टर है और आपके दोस्त किसी और टीम के सपोर्टर है तो क्या होता है। बात कर लेते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में, मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा कि मेलोडी ने चॉकलेटी की, मैं बात कर रहा हूँ क्या इस साल RCB जीत पाएगी। नहीं जिस हिसाब से अभी तक RCB की परफॉर्मेंस रही है मेरे को तो नहीं लगता कि RCB वाले इस साल जीत पाएंगे। आपको क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। तो पता है मैंने इसमें बहुत सारी चीजें कवर नहीं करी है जो कि मैंने अगले पार्ट के लिए बचा के रखी है, बिकॉज मैं अगला पार्ट बहुत जल्दी लाने, इस वीडियो पे 25 लाइक्स आ जाते तो इसको बहुत जल्दी लाने वाला हूं। तो अगर आज की वीडियो पसंद नहीं था, अगर आपको वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक चलो दोस्तों, मिलता आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।
रख रख तेरी माँ की।